देश की आर्थिक राजधानी की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो 3 के लिए मुंबईकरों को कुछ समय का इंतजार और करना होगा। 33.5 किलोमीटर बांद्रा से कोलाबा सीप्स मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है। मुंबई की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो 3 की टनलिंग का काम 99% पूरा हुआ है। राज्य में सरकार बदलते ही मेट्रो 3 सहित अन्य परियोजनाओं में तेजी लाने की पहल शुरू हो चुकी है। मेट्रो 3 के काम में हुई देरी और कारशेड विवाद के बीच मेट्रो 3 के रेक भी तैयार हो चुके हैं। उल्लेखनीय है कि मेट्रो 3 के पहले चरण में 8 ट्रेनें बनाने का ऑर्डर असॉटम कंपनी को दिया गया है। इनमें से 2 प्रोटोटाइप ट्रेन कंपनी के आंध्र प्रदेश स्थित श्री सिटी के प्लांट में तैयार हो चुके थे। MMRCL के अनुसार 2 रेक को मुंबई के लिए डिस्पैच कर दिया गया है। जल्द ही मेट्रो 3 के 2 रेक मुंबई पहुंच जाएंगे। हालांकि ट्रेन के लिए डेपो तैयार नहीं है। राज्य सरकार ने मेट्रो 3 का निर्माण कर रही MMRCL के MD पद का अतिरिक्त कार्यभार वरिष्ठ ISR अश्विनी भिड़े को दे दिया है। मेट्रो 3 के लिए आरए में कारशेड बनाए जाने की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस के समय में अश्विनी भिड़े को दी गई थी। एक बार फिर MMRCL की जिम्मेदारी अश्विनी भिड़े को ही दी गई है। इससे मेट्रो 3 के साथ कारशेड के काम में भी तेजी आएगी। हुतात्मा चौक CSMT स्टेशन का काम काफी पूरा हो चुका है। प्लेटफॉर्म का लगभग 80% और कॉन्कोर्स लेवल अर्थ टिकट घर के साथ स्टेशन के छत का भी काम लगभग 95% पूरा हो गया है। अंडरग्राउंड स्टेशनों की फिलिंग का काम भी हो रहा है। इस तरह स्टेशन से संबंधित अन्य काम भी 85% पूरे हो चुके हैं। वैसे 2024 के पहले इस मेट्रो का संचालन शुरू नहीं हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।